नरेंद्र मोदी जी के राज में हुए। कहीं कोई कर्फ्यू है, कहीं कोई दंगा है, कहीं कोई फसाद है, और जितनी भी हमारी योजना है उसमें अगली पिछड़ी जाति के लोग जो लोग वोट देते हैं उनको भी स्वास्थ्य लाभ होगा। वो योजना का जो हमने बनाया है सिलेंडर उनको भी मिलेगा। ये बढ़िया रोड बनाए 6 लेन, इस पर जो वोट नहीं देगा वो भी चलेगा। ये बढ़िया पुल बना रहे हैं उस पर वो भी चलेगा। हमारी योजना सबके लिए, अमेरिकन टाइम मैगजीन में जो ये बातें आई हैं उसको पूरी तरह मैं खारिज करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान सुरक्षित हैं दुनिया में कहीं नहीं, क्योंकि यमन में, इराक में, सीरिया में क्या हो रहा है, लेकिन भारत में, भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं मिल सकता। क्योंकि यहाँ दो बड़ी कौम मिलकर रहती है। और टाइम मैगजीन में जो पाकिस्तानी ओरिजिन का वो लेखक है उसने जो लिखा है उनको मालूम होना चाहिए कि यही जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं यही दुष्प्रचार करते हैं पूरे दुनिया में। वो भारत की छवि को खराब करने के लिए इस तरह की कवर पेज स्टोरी की गई है। मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा है कि दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश सऊदी अरब, सबसे बड़ा अवार्ड किसको देता है? नरेंद्र मोदी जी। UAE सबसे बड़ा अवार्ड किसको देता है? जैसे अपने यहाँ भारत रत्न है, इस तरह का अवार्ड किसको देता है? नरेंद्र मोदी जी। और जो OIC है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से मुस्लिम देशों हैं, भारत मुस्लिम देश नहीं है, लेकिन क्योंकि भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी आबादी है तो उसने इस बार गेस्ट ऑफ ऑनर करके भारत को बुलाया। ये प्रतीक है कि पूरे दुनिया के मुस्लिम देश भी नरेंद्र मोदी जी में विश्वास करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ समाज के हर वर्ग को वोट करना चाहिए। मैं नवजोत सिंह सिद्धू नहीं हूँ जो जवान फिसले, मैं लाफ्टर चैंपियन वाला आदमी नहीं हूँ। मैं कह सकता हूँ वो आकर ध्रुवीकरण करके गए थे, लेकिन हम जोड़ने आए। हमारे जिंदगी का मिशन समाज को जोड़ना है। और इसलिए मैं कहता हूँ RK सिंह यहाँ से भारी वोट से जीतेंगे। सब समाज के लोगों को कहता हूँ कि जिस तरह बिहार में सबसे ज़्यादा काम RK सिंह जी के क्षेत्र में आरा में हुआ है, सबसे ज़्यादा वोट भी RK सिंह जी के क्षेत्र में आरा में, आरा नंबर वन बने। तो पटना है, जैसे मैंने कहा जमुना पार, वैसे पटना पार, जैसे वो सोन पार करेंगे, छपरा से पार करेंगे, सीधे लगेगा। और बीता का एयरपोर्ट बनने के बाद कितने देर की दूरी होगी पुल पार करके? ये 1-1 घंटे पे एयरपोर्ट होता है। तो बीता में जब एयरपोर्ट बन रहा है तो पटना वालों के लिए तो बन ही रहा है, बिहार वालों के लिए बन रहा है, लेकिन सबसे बड़ा लाभ किसको होगा? आरा के लोगों को। इसलिए आरा चले विकास के साथ, चले RK सिंह के साथ, चले सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ। यही मैं बात कह के आरा से आपसे विदा लेता हूँ। और उम्मीद करता हूँ क्योंकि RK सिंह मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बड़े भाई की तरह है, मेरा बचपन से उनका संबंध है। और भारतीय जनता पार्टी में जब से वो काम कर रहे हैं तब से उन्होंने ईमानदारी से पार्टी का काम किया है। सब लोग वोट देंगे ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ आपके माध्यम से। जैसे आप अपने लेख का जिक्र किया तो मेरी बात का भी जिक्र कई जगह आप करेंगे जो मैंने कहा है, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। चाइनीज लॉबिंग भी इसके पीछे हो सकती है, राहुल गांधी गए थे छुप के चाइना और ये सब चीज़ें। मैं इस तरह का कोई अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूँ भारत विरोधी दुष्प्रचार का शिकार है टाइम मैगजीन। और पाकिस्तानी ओरिजिन का, यानी अमेरिकन पासपोर्ट वो तो है उनके पास, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है लेकिन पाकिस्तानी ओरिजिन है। और उसके कलम में जो स्याही है पाकिस्तान की सोच की भरी हुई स्याही।